चालीसगांव के विधायक मंगेश चौहान ने शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपशब्द कहे और इस अपशब्द के लिए अब मंगेश चौहान को शिवसेना की ओर से कई सारे निषेध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल चालीसगांव के विधायक मंगेश चौहान ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को रिकामा अर्थात खलिहर बता दिया था। एवढा रिकामचोट मुख्यमंत्री आतापर्यंत इतिहासात आपण कधी पाहिला नाही और अभी इसी बात का निषेध हो रहा है। सोमवार को जलगांव में शिवसेना महानगर की ओर से विधायक मंगेश चौहान की प्रतिमा को चप्पलों का हार पहनाते हुए मुंह काला किया गया और प्रतिमा की पिटाई कर दी गई। राजकारण करायचं चांगलं काम शिवसेनेच्या माध्यमातून होत आहे त्याला गालबोट कसं लागेल या माध्यमातून आमदार मंगेश चव्हाण यांनी जे अपशब्द वापरले गेलेत ते आम्ही शिवसैनिक सहन करणार नाहीत म्हणून आंदोलन करण्यात आलं की त्यांना त्यांच्या पुतळ्याला प्रातिमिक पुतळ्याला जोडे मारू काही शाई टाकून चपलांचा हार घालून की आपण या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो आहोत। चालीसगांव के विधायक मंगेश चौहान का सभी ओर से निषेध तो किया ही जा रहा है और जलगांव में हुए निषेध के कार्यक्रम में वहां शिवसेना महानगर के शरद तायड़े, विष्णु बंगाले, महिला पदाधिकारी मनीषा पाटिल समेत कई शिवसेना पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही थी। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।